उत्तराखंड और पूरे देश के लोग ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोदी सरकार का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चार धाम यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। सीएम धामी ने ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट दी है। उन्होंने बताया कि ऑल वेदर रोड का निर्माण जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार को पर्यावरण से संबंधित दस्तावेज भेज दिए गए हैं। केंद्र सरकार से एनओसी मिलने के बाद चारधाम यात्रा को ऑल वेदर रोड से जोड़ने के पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। वेदर रोडों पर कुछ वन विभाग और कुछ अन्य विभागों का जो हमारा पशु विहार है, उसके कारण से जहां जहां भी दिक्कतें आई आज उस पर भी बात हुई है। और भारत सरकार के स्तर पर जहाँ बात करने की आवश्यकता होगी, कुछ दो दो मिनिस्ट्रियों का मामला है, कुछ मिनिस्ट्री में आने से कुछ चूँकि स्ट्रेटजिक चीज़ें हैं, कुछ भारत सरकार ने पहले ही निर्णय लिए जा चुके हैं कि 100 किलोमीटर की सीमा रेखा के 100 किलोमीटर के अंदर ऑलरेडी सभी पर जो है एनओसी निर्माण कार्यों के लिए दी जाएगी। ऑल वेदर रोड चारधाम यात्रा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। रोड के बनने से गंगोत्री धाम जाने वाले यात्रियों को बहुत आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक बथेड़ी से गंगोत्री धाम तक जल्द ही ऑल वेदर रोड का काम पूरा हो जाएगा, जिससे यात्रियों की परेशानी दूर होगी और वो आसानी से सफर कर सकेंगे। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम में ऑल वेदर रोड के अभाव में यात्रियों को भारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस खबर को श्रेष्ठ उत्तराखंड ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद सीएम धामी ने मामले में संज्ञान लिया है। तो जहां जहां भी ऐसी रुकावटें आई हैं, उसको हम रुकावटों को समाप्त करने के लिए आज मैंने कहा है कि सारे दस्तावेज हमें उपलब्ध हो जाएंगे और हम उसको भारत सरकार में प्रस्तुत करेंगे। चलिए अब आपको ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं। ऑल वेदर रोड परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की थी। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के तहत 889 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किया जाना है। चारधाम राजमार्ग विकास योजना का मकसद देश विदेश के लोगों के लिए चारधाम यात्रा को सुगम बनाना है। परियोजना के तहत उत्तराखंड के चारधाम यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा। खासतौर से चाइना बॉर्डर पर भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए ये प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ सालों से तेजी से काम चल रहा है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने काम को 53 हिस्सों में बांटा है। काम में किसी तरह की रुकावट ना हो, इसलिए केंद्र सरकार ने पहले ही चरण में 3,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद न सिर्फ चारधाम यात्रा आसान होगी, बल्कि इससे उत्तराखंड के विकास को भी गति मिलेगी। कहा जा सकता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब पहाड़ों का चुनौतियों भरा सफर सुगम होगा और उत्तराखंड विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। उत्तरकाशी से संवाददाता दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।